नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। पानीपत सिटी थाना के सामने फिर चली गोली। पानीपत में तीसरे दिन भी फिर गोलीबारी जारी रही। इंडियन ट्रेवलर के मालिक सुनील को मारी गोली। घटना कल शाम सिटी थाना के सामने अंजाम दिया गया। घायल सुनील को सनोली रोड के अपेक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां तीन बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर गोली मार दी। तीनों के पास था असला। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। ठीक है जी, हमारे को जैसे पता लग गया हम फौरन उसके दफ्तर के आगे गए, तो वो वहाँ से चला गया था दफ्तर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल से पता चला वही गोली लगी सुनील के कंधे में। कहाँ गए सुनील? क्या सुनील छतारे का सुनील है, क्या इंडियन ट्रैवल, इनका बसों का काम है। ठीक, और उस टाइम फौरन पता लगा हम हॉस्पिटल ले गए। बातचीत हुई आपकी सुनील की, कितनी गोली लगी है, क्या कंडीशन है? सुनील की एक गोली लगी है, यहाँ कंधे में गोली लगी है, वो अंदर चली। हॉस्पिटल से सुनील नाम का पेशेंट है जिनका कहीं पे झगड़ा हुआ था बस स्टैंड के आसपास, और उनको गोली लगी है। गोली लगने के बाद वो सिविल हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट एड लिया और फर्स्ट एड के बाद उन्होंने रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद मरीज सीधा हमारे पास आया है, हमने एक्सरे वगैरह इन्वेस्टिगेशन की है, तो अभी सीटी स्कैन किया है। सीटी स्कैन के बाद अभी हालत है जो उसकी गंभीर है, और अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, उसके बारे में फिर आपको थोड़ी देर में ही पता लगेगा। सर, गोली कहाँ पे लगी है, कौन गोली? उनको लेफ्ट कंधे पे लगी है, और वो गोली लग के और नीचे एब्डोमेन में चली गई है, चेस्ट को चीरती हुई। तो हालत कैसी है सर? पानीपत से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।